हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ मटर पनीर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूं। आज की जो मटर पनीर की रेसिपी है उसे मैंने ड्राई मटर से बनाया है, तो चलिए देख लेते हैं कि ड्राई मटर से मटर पनीर की रेसिपी किस तरीके से बनाई जाती है। कुकर में हम तेल डालेंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पर साबुत जीरा, तेज़पत्ता, यहाँ पर 3 से 4 बड़े प्याज मैंने कट करके रखे हुए हैं और 2 से 3 हरी मिर्च, तो इसको भी इसमें हम डाल देंगे और इसे अब हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ अब आपको प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। यहाँ पे प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए क्योंकि हम मसाले ऐड करने वाले हैं। अगर हाई फ्लेम पे मसाले आप डालेंगे तो यहाँ पे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच होममेड गरम मसाला का पाउडर और मसालों को 1 मिनट हम फ्राई करेंगे और इसी समय हम टमाटर को भी कट करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 बड़े साइज के टमाटर को मैंने कट कर लिया है और इसको इसमें डाल देंगे। मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं तो हरे मटर इसमें हम ऐड कर देंगे। तो मार्केट वाले जो हरे मटर होते हैं ना, ड्राई वाले, वो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको रात भर मैंने भिगो करके रखा हुआ था और ये अब अच्छे से फूल चुकी है, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। तो आज जो मटर पनीर की रेसिपी हम बना रहे हैं वो जो ड्राई वाले हरे मटर होते हैं उससे बना रहे हैं। इससे भी मटर पनीर जो होती है काफ़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मिक्स कर देंगे और जब तक मसाले हमारे पक रहे हैं तब तक चलिए पनीर को हम फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, हल्का सा साबुत जीरा ऐड कर देंगे और अब पनीर के पीस को ऐड करेंगे। हल्का सा हम इसमें डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, होममेड गरम मसाला का पाउडर, यहाँ पे अदरक को हम पीस करके डाल देंगे। डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा मिनट इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए पनीर हमारी फ्राई हो चुकी है। पनीर को हमने फ्राई कर लिया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक डालने के बाद 1 मिनट हम मसालों को यहाँ पे फ्राई होने देंगे। मसाले को फ्राई करते हुए मुझे 1 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देते हैं फ्राई किए हुए पनीर और अब हम पानी डालेंगे। तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है आपको, जितनी ग्रेवी रखनी है उसे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि यहाँ पे जो हरे मटर होते हैं ना फ्रेश वाले, उसे पकने में टाइम नहीं लगता, एक ही सीटी में पक जाते हैं। बट ये जो मटर होते हैं इसमें आपको 2 या 3 सीटी लगानी पड़ेगी और थोड़ी देर आपको लो फ्लेम पर भी पकाना होगा, तब जाके आपका जो मटर पनीर है वो तैयार होगा यहाँ पर। अब हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी की पत्तियाँ, मिक्स करेंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे, 2 से 3 सीटी आने देंगे और लो फ्लेम पे फिर हम 1 से 2 मिनट यहाँ पे मटर पनीर को कुक करेंगे। कुकर का प्रेशर यहाँ पे निकल चुका है और ये देखिए मैं सब्जी को मिक्स कर रही हूँ, काफ़ी टेस्टी लग रही है हमारी जो मटर पनीर है वो देखने में। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटर पनीर को सर्व कर लिया है और दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पे। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ।